नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको ओपन बेल मतलब कि पनडुब्बी मोटर का जो कॉइल साइज होता है, जैसे कि हमें एक कॉइल बनाई है हमने, इसका जो कॉइल साइज है वो किस तरह से निकालते हैं इसका, जिससे हमारा जो कॉइल वार्निंग कहते हैं पनडुब्बी मोटर में, तो हमारी कॉइल सही तरह से सेट हो, उसमें ना लंबी हो ना छोटी हो। और उसमें अगर कॉइल साइज अच्छी बनती है तो उसका जो वाटर होता है, पानी देने की शक्ति होती है, वो अच्छी बढ़ जाती है दोस्तों। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। दोस्तों चलिए तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो जो हमारी पनडुब्बी मोटर है, इसका जो कॉइल साइज है वो हम इसका बनाना बताएंगे। तो इससे पहले दोस्तों हम इसका जो हमारी कॉइल पिच है, जो हमारी इसका कॉइल पिच है, कॉइल पिच, जो हमारी इसकी कॉइल पिच है वो 1, 10 और 1, 12, जो हमारी कॉइल पिच है 1, 10, 1, 12 इसकी दोस्तों, इस पनडुब्बी की ओपन बेल मोटर की दोस्तों। इसकी जो कॉइल साइज है उसके बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक बात ध्यान देना है, यहाँ पे जो हमारी कॉइल पिच है 1, 10, 1, 12 इसकी, तो जो कॉइल पिच का इसको नाप बनाएंगे हम, 1, 12 का नाप निकालेंगे। तो इसके लिए नाप निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, उसको आप नोट कर लीजिए। इसका जो फार्मूला है, स्टम्पिंग लेंथ गुणे 2 + 16 इंचेस है, जो स्टम्पिंग लेंथ है इसकी उसमें 2 का गुणा करना है और उसमें 16 + कर देना है, तो जो हमारी एक कॉइल पिच 1, 12 है उसका नाप निकल के आ जाएगा। तो जो स्टम्पिंग साइज क्या होता है इसको हम बताते हैं आपको। जो हम इसमें वार भरते हैं, वार्निंग कहते हैं, जब कॉइल डालते हैं इसमें, जो स्लॉट बोलते हैं, इसकी जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक, उसको स्टम्पिंग साइज लेंथ बोलते हैं। तो इसकी साइज हम देख लें एक बार, इंची टेप से नापते हैं इसको। लंबाई इसकी 4.4 इंचेस है, इसकी जो स्टम्पिंग है 4.4 इंचेस, इसमें गुणा 2 का करना हमको, प्लस 16 इंचेस और जोड़ देना है। इसका जो आएगा 4 × 8 = 8.8 + 16। अब इसको जोड़ लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 24.8 इंचेस। जो हमारी कॉइल पिच है 1, 12 इसका जो नाप निकलेगा 24.8 इंचेस, ये हमने 12 ले लिया। स्टम्पिंग साइज इसकी लेते हैं हम इससे, अगर उस तरह से नाप नहीं बनाते तो इस तरह से आप नाप बना सकते हैं। इसको ये ले लिया, इसको यहाँ पे डबल कर लीजिएगा, मतलब कि इसमें डबल मतलब 2 का गुणा इसमें कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ से इसको इस तरह मोड़िएगा, यहाँ पे आप 16 इंचेस इसमें और प्लस कर दीजिएगा, जैसे कि हमने बताया था स्टम्पिंग लेंथ उसमें 2 का गुणा करना है और 16 इंचेस उसमें प्लस कर दीजिएगा। तो इसमें स्टम्पिंग का लेंथ की डबल कर दिया और 16 इंचेस जोड़ दिया, तो हमारा 24.8 इंचेस आ गया है। तो हमने इसको अगर मान लो प्रैक्टिकल तौर पे आपको दिखाएं, तो हमने इसको स्टम्पिंग साइज को डबल कर लिया है। इसके बाद हमें इसके यहाँ पे 16 इंचेस इसको लेना है, ये हमने 16 इंचेस ले लिया है। अब इसको 16 इंचेस लेने के बाद जो हमारी टोटल साइज आएगी वो 24.8 इंचेस आएगी। तो दोस्तों हमारी कॉइल बनाने का सही नाप और सही तरीका है। और दोस्तों अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।